Hi there, KB fam. Welcome back to my channel, guys. Thumbnail और टाइटल से आपने देख लिया होगा. आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ Vega Hair Waver का. अभी कुछ वीडियोस पहले ना मैंने कुछ दिन पहले कुछ अपनी वीडियोस में एंड रील्स में एक हेयर स्टाइल कर रखा था जिसके मुझे इतने ज्यादा क्वेश्चंस आए थे एंड मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस पर्टिकुलर जो हेयर मशीन है, हेयर टूल है, इसका रिव्यू शेयर करूं. सो हेयर वी आर वीडियो का इन तक जरूर देखना. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट रोलिंग. ये बेसिकली है वेगा का आई वेव हेयर वेवर फ्रॉम अनन्या पांडेज कलेक्शन. ये ना आपको बहुत सारी जगह पे एक्चुअली अवेलेबल हो जाता है. वेगा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अमेजोन पे, नायका पे एंड बहुत सारी जगहों पे होगा जहां पे मे बी मैंने चेक नहीं किया होगा. बट ना एक चीज जो मैंने नोटिस करी थी, अगर आप इसको नायका से बाय करते हो ना, इसका प्राइस आपको लिटरली 2000 रुपीज के अराउंड पड़ जाता है, 2000 और 1900. बट अगर आप इसको अमेजोन से बाय करोगे ना, तो ये आपको 1000 तक मिल जाएगा. मैंने जब इसको परचेज किया था ना, ये मुझे मिला था 1085 रुपीज का, जो लिटरली 1000 रुपीज लेस था फ्रॉम नायका. सो आप क्या कर सकते हो ना, जहां पे आपको लेस प्राइस में मिल रहा हो ना, वहां से चेक कर सकते हो. बट एक चीज जो मैंने इसमें देखी थी, अमेजोन पे नॉन रिटर्नेबल था, तो अगर मुझे ये खराब रिसीव होता तो मे बी मैं इसको रिटर्न नहीं कर पाती. बट मुझे ऐसा कुछ खराब रिसीव नहीं हुआ था, फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ये एकदम सही प्रोडक्ट रिसीव हुआ है. तो दैट इज समथिंग आई वांटेड टू शेयर कि आप ट्राई कर सकते हो, जहां पे आपको लेस प्राइस में मिल रहा है एक बार वहां से चेकआउट कर सकते हो. ठीक है. सो बेसिकली ना ये कुछ इस तरीके की आउट ऑफ पैकेजिंग में आता है. आउट ऑफ पैकेजिंग ना यूजुअली जो वेगा के आपको प्रोडक्ट रिसीव होते हैं कुछ इतनी वाओ नहीं होती. नॉर्मल भी हेयर टूल्स की आउटर जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग होती है ना, बहुत ज्यादा कुछ मतलब अच्छी सी नहीं होती है. ठीक है. यहां पे ना इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स वन नंबर ऑफ हेयर वेवर, इसके अंदर एक वारंटी कार्ड मिल जाता है एंड इट ऑल्सो हैज अ यूजुअल मैनुअल इन इट. इट इज मेड इन चाइना एंड देन यहाँ पे उसका कुछ लिखा हुआ है, वोल्टेज वगैरह कितना एंड एवरीथिंग. लेट्स जस्ट ओपन इट. जब आप इसको ओपन करते हो ना, इस तरीके से आपको आपका प्रोडक्ट प्लास्टिक में रिसीव होता है. मुझे भी प्लास्टिक में रिसीव हुआ था. पैकेजिंग आई से इनर अच्छी थी, यूजर मैनुअल मिल जाता तो मे बी जिनको यूज करने की कुछ प्रॉब्लम हो तो वो यूज कर सकते हैं. दिस इज हाउ यू रिसीव योर टूल. इसका बैक साइड इस तरीके का था एंड इसका फ्रंट साइज इस तरीके का था. यहाँ पे ना आपको 360 डिग्री स्विवल कोड मिल जाती है. बेसिकली किसमें हेल्प करती है कि आप कैसे मर्जी अपना हाथ घुमा लो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि तार कहीं पे अड़ जाएगी. ये आपका हाथ के साथ आपकी तार घूमती जाती है. इसकी जो ये आपको वायर मिल जाती है ना, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा लंबी है. आप देख सकते हो अच्छी खासी लेंथ की आपको यहाँ पे केबल मिल रही है. तो आप अगर कहीं दूर भी लगाना चाह रहे हो ना, तो आप वो चीज कर सकते हो. वन चीज जो मुझे इसमें लगा कि इसमें कोई हीट सेटिंग्स नहीं थी. अगर हीट सेटिंग्स होती तो बहुत ही ज्यादा बेटर होता. यहां पर आपको सिर्फ एक बटन मिलता है, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके का ऑन और ऑफ. यहां से आप ऑन कर सकते हो और यहां से ऑफ कर सकते हो. जब ऑन होता है तो यहां पर रेड लाइट आ जाती है, जब ऑफ होता है तो वो लाइट ऑफ हो जाती है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट ना, कुछ इस तरीके का एक्सप्लेनेशन वाला इसके अंदर नहीं था. यहाँ पे आप इसको बंद बंद नहीं कर सकते, इस तरीके से ओपन अप ही रहेगा, क्योंकि जहां तक मैंने देखा यहाँ पे बंद करने के लिए इसको कुछ भी नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज आपको सिर्फ इसको प्लग इन करना है एंड यू आर रेडी टू यूज इट. ठीक है. सो पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ ना, 1000 रुपीज के अकॉर्डिंग पैकेजिंग इज ओके. अच्छी खासी पैकिंग है, आपको कोई हल्की सी पैकिंग नहीं मिल रही है एंड इट इज ओके इनफ. ठीक है. बिकॉज एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट चीज माई फ्रेंड, उसने मुझे ये रिकमेंड किया था कि यूज करना चाहिए. तो ऑब्वियसली अगर एक प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट, प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट इसको यूज कर रहा है, तो इट माइट बी वर्थ इट. ऑल यू नीड टू डू इज आपको बहुत, मैंने ना एक चीज देखी जो कुछ लोग दिक्कत इसमें कर रहे हैं, वो क्या करते हैं ना, हेयर स्टैंड ले लेते हैं इस तरीके से. मान लो ये वाला स्टैंड ले लिया, व्हाट दे डू इज कि उसको ना इस तरीके से इसके अंदर घुमाने लग जाते हैं इस तरीके से. इसमें आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू यूज इट लाइक अ क्रिम्पर. जिस तरीके से आप क्रिम्पर ऐसे ऐसे यूज करते हो ना, उसी तरीके से आपको करना होता है. आपको क्या करना है, ऐसे रखना है, देन ऐसे 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 ये करना होता है आपको सिर्फ. ठीक है. अभी आपको मैं यूसेज दिखाऊंगी कि एक्चुअली किस तरीके से यूज करना है एंड रिजल्ट किस तरीके का मिलता है. वन थिंग आई वांट टू ऐड इन दिस कि ना, ये हीट अप होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है. लाइक मैंने क्या किया था, जब मुझे फर्स्ट टाइम रिसीव हुआ था, मैंने इसको ऑन करते साथ ही यूज करना स्टार्ट कर दिया था, तो इसने मेरे हेयर को अच्छे से वेव नहीं किया था. आप इसको ना 2 से 3 मिनट, अगर आपके थिक या कोर्स हेयर है ना, तो लिटरली इसको 5 मिनट पहले हीट अप होने दो. अगर आपके नॉर्मल मेरी तरीके के हेयर है तो 1-2 मिनट आपको इसको हीट होने देना है. एंड अगर आप पतले सेक्शन लेके वर्क करोगे ना, अगर आप इतने इतने मोटे मोटे सेक्शन लोगे ना इस तरीके को करने के लिए, तो ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा. इवन दो मेरे तो बहुत ही ज्यादा पतले बाल है, आपको बिल्कुल इस तरीके के ना छोटे छोटे
इतने इतने सेक्शंस लेके वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ना आपको जिस तरीके से क्रिम्पिंग में हम करते हैं या फिर चॉपस्टिक कर्लर से करते हैं, उस तरीके के आपको छोटे छोटे सेक्शंस लेके करने हैं, तब जाके आपको आपका लिटरली डिजायर्ड रिजल्ट मिल पाएगा। एंड हीट अप होने के लिए मैं मशीन को किस लिए कह रही हूँ, बिकॉज अगर ये अच्छे से हीट हो पाएगी ना, तभी आपको आपकी एक्चुअल वेव्स दिखेंगी। इस तरीके से ना इसको प्रेस करना है। वन थिंग, आप यहाँ पे ना प्लास्टिक है ना, तो आप इसको इस तरीके से प्लास्टिक है जो भी बोलते हैं, आप यहां से इसको होल्ड करके अच्छे से प्रेस कर सकते हो, आगे तक हीट नहीं आती है। दैट इज वाई आई एम सेइंग हीट अप कर लेना, ताकि आपके वेव्स जो है ना अच्छे से विजिबल हो। बिकॉज जब मैंने रिव्यूज देखे थे नीचे, मुझे ये चीज देखने को मिली थी कि रिव्यूज में लोगों ने लिख रखा था कि ये वर्क नहीं करती है। द रीजन वो वर्क नहीं कर रही है बिकॉज वो अच्छे से हीटअप नहीं हो रही है। तो अब देखना आपको उसका एक्चुअली यूज किस तरीके से करना होता है। एंड रिजल्ट एंड लिटरली वर्क किस तरीके से करती है। इफ आई हैव टू से कि ये किस तरीके का स्टे अच्छा देती है कि नहीं देती है, ये लिटरली आपको बढ़िया स्टे देती है। अगर आपके नेचुरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट हेयर है ना, आई विल रिकमेंड कि एक बार ना हेयर स्प्रे आप कर लेना, बिकॉज ऑब्वियसली डेली बेसिस पे कोई हीट टूल्स नहीं यूज करते, कोई ओकेजन पे ही यूज करते हैं, तो आप हेयर स्प्रे कर लेना तो वो आपका अच्छे से टिक जाएगा। एंड मेक श्योर कि आप एक हीट प्रोटेक्टेंस मिस्ट जरूर शेयर कर रहे हो। मेरे को उसकी इंपॉर्टेंट पहले नहीं पता थी, लेकिन जब से मैंने यूज करना स्टार्ट किया ना, मेरे को लिटरली रियलाइज हो रहा है कि मैं क्यों नहीं यूज कर रही थी। एंड एक्चुअली आपके हेयर को लेस डैमेज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, स्टे अच्छा खासा है। अगर आपके बाल इस तरीके के हैं ना कि जो होल्ड कर लेते हैं, तो आपका बहुत बढ़िया तरीके से टिकने वाला है, बढ़िया स्टे आपको प्रोवाइड करके देता है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एक्चुअल बहुत स्ट्रेट हेयर है, हेयर स्टाइलिंग आपके ऊपर टिकती नहीं है, तो आपको हल्का सा हेयर स्प्रे इसको कर लेना होता है। ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्ट टू एड, लाइक अगर आप इसके ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहते, बिकॉज जो मुझे फाइनल रिजल्ट मिला था जब मैंने इसको देखा ना, अगर आप इतना स्पेंड नहीं करना चाहते हो, तो आप एक अपना घर पे जुगाड़ कर सकते हो। आप छोटे छोटे इस तरीके से सेक्शंस लेके ना इनको ब्रेड कर सकते हो। आप अच्छे से छोटे छोटे सेक्शंस लेके हल्के से थोड़े से डैम्प बालों में आप अगर इसको ब्रेड करके ओवरनाइट छोड़ दोगे ना, तो लिटरली आपको मॉर्निंग में सेम चीज देखने को मिल जाती है। इवन दो थोड़े छोटे वेव्स होंगे क्रिम्पिंग टाइप के, बट अगर आप थोड़े मोटे मोटे सेक्शंस लेके कर दोगे, या फिर अगर आप फ्रेंच ब्रेड्स बना लोगे ना दो चार अपनी, तो आपको सेम चीज देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इतना हीट नहीं लगाना चाहते हो बालों पे, आपको कुछ नॉन हीटलेस या फिर अगर आपको कुछ हीटलेस चाहिए, तो आप ब्रेड्स भी ओवरनाइट करके रख सकते हो। एंड यार गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने इसका नायका अमेज़न और वेगा की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक तीनों ही दे दूंगी, आपको जहां से मन करे आप वहां से बाय कर सकते हो। मैंने इसको अमेज़न से बाय किया था। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ यू डू, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।